दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म मौला जट, जो कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, उसे 30 दिसंबर को इंडिया में भी रिलीज किया जाना था और उम्मीद थी कि फिल्म इंडिया में भी अच्छा खासा कमा लेती, लेकिन अब अनसर्टेन पीरियड के लिए इसे रिलीज होने से रोक दिया गया है। $10 मिलियन से ज्यादा अर्न कर चुकी मौला जट को इंडिया में कई लोग सपोर्ट कर रहे थे तो कई लोग इसके विरोध में भी थे। हमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, जहां 73% लोग इसके अगेंस्ट थे। दरअसल फिल्म को अनसर्टेन टाइम के लिए बैन करने का सबसे बड़ा कारण है फिल्म का एक एक्टर हमजा अली, जो कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का सपोर्टर है। ये खुलेआम उसे सपोर्ट करता है, ट्वीट्स करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा वो कश्मीर को IOK यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बताता है। 200 मिलियंस उरी पुलवामा 26/11 कुछ भी नहीं भूले हैं। फिर भी कुछ लोग ये सब जानते हुए भी फिल्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे रणवीर कपूर और करण जौहर। यहाँ तक कि रणवीर कपूर ने तो ये भी कह दिया था कि मुझे अगर मौला जट में मौका मिले तो मैं जरूर काम करूंगा। तो फैसला आपके हाथों में है दोस्तों, कि किसकी फिल्म देखनी है और किसे सबक सिखाना है।